आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग ये सामने प्लेलिस्ट में देख पा रहे होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो न्यू पोर्टल लॉन्च हुआ है, तब से हमने एक सीरीज चलाई है। उसके तहत हमने अभी तक 7 वीडियो बना दिए हैं। आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जो कि जितने भी नए लोग हैं जो इनकम टैक्स की फील्ड से और हम कह सकते हैं उसके अंदर आने वाले टैक्स कलेक्शन से जुड़ने वाले हैं, या जिन्हें आगे चलकर जो है इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, वो पहली बार किस तरीके से इस वेबसाइट पर आकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं एक पैन कार्ड की मदद से, क्योंकि पैन कार्ड इस फील्ड में अनिवार्य होता है। तो हम आपको लेकर चलते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों, यहाँ जो रजिस्टर्ड यूज़र हो जाते हैं वो लॉगिन करते हैं, और जो पहली बार आ रहे हों, जिन्हें इसका बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, वो इस वीडियो को फॉलो करें। आपको करना क्या है, आपको यहाँ रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर जैसे ही आप करेंगे तो आपको एक पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, इसी के साथ आपको एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, एक मोबाइल फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों के ऊपर जो है एक ओटीपी आता है, साइमल्टेनियसली दोनों पर एक साथ ओटीपी आते हैं, जिससे कि आपके वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी होती है। उसके जो भी स्टेप्स हैं दोस्तों, वो हम आपको जो है स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से बताने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इस वेबसाइट में अभी भी जो लैग्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, और ये इसमें कोई चेंज नहीं आया है। अब तो 15 दिन से ऊपर, महीने भर से ऊपर होने जा रहा है इस वेबसाइट को, लेकिन ये अभी भी उतनी ही स्लो है। ये दोस्तों रजिस्ट्रेशन का पेज है, ये आप देख रहे हैं 4 प्रोसेस आपको करने हैं, गेट स्टार्टेड, फिल डिटेल्स, वेरीफाई डिटेल्स और अकाउंट सिक्योर कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज ए टैक्स पेयर आपको यहाँ पर आना है, तो आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे। अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं और आप अदर में आते हैं, तो ये 3 कैटेगरीज यहाँ बनती हैं, जिसमें एक्सटर्नल एजेंसी, TIN स्टेक होल्डर्स और चार्टेड अकाउंटेंट। तो दोस्तों यहाँ जो इंडिविजुअल यूजर्स होते हैं वो टैक्स पेयर पर जो है क्लिक करते हैं, और टैक्स पेयर पर आने के बाद ये मैं अब आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप इस तरीके से जो है पैन कार्ड नंबर डालने के बाद उसको वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ एक मैसेज आएगा कि आपका पैन जो है सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब आप एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं तो आप यहाँ यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, आपकी डिटेल एज इट इज़ सेम होनी चाहिए जो आपके पैन कार्ड पर है। आप यहाँ पर लास्ट नेम लिखेंगे, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपका जेंडर आएगा, और आपको बताना है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, क्या आप रेसिडेंट खुद के घर में रहते हैं या नॉन रेसिडेंट। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आनी है, और कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ पर प्राइमरी में आपका मोबाइल नंबर देना है, और यहाँ आपको बताना है कि वो मोबाइल नंबर किसको बिलोंग करता है। इसमें 6-7 कैटेगरी हैं, तो आप अपना सेल्फ का देंगे यहाँ, उसी तरीके से आपको एक ईमेल आईडी देनी है, और वो भी बतानी है कि ईमेल आईडी किसकी है। तो यहाँ हमने सेल्फ पर जो है क्लिक कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों पोस्टल एड्रेस में आपकी कंट्री, आपका फ्लैट, बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, आपका एरिया, लोकेलिटी, आपकी डिस्ट्रिक्ट, और जो है आपका स्टेट यहाँ पर जो है आएगा। इसी के साथ दोस्तों ये फिल करने के बाद हम जो है नेक्स्ट, आप देख सकते हैं आपको दोनों चीज़ों पर, जो आपने प्राइमरी मोबाइल नंबर दिया था और जो आपने प्राइमरी आपका जीमेल आईडी दिया था, उस पर एक साथ आपको ओटीपी आएंगे। वो दोनों ओटीपी आपको बारी बारी से यहाँ डालने हैं। आपको मोबाइल नंबर का ओटीपी ऊपर डालना है, यहाँ ईमेल डालना है, इसी के साथ आप दोस्तों यहाँ कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ये आप इसको सही डालें, क्योंकि आपको 3 अटैम्प्ट ही जो है यहाँ पर डालने के लिए मिलते हैं। आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों ये आपकी वेरीफाई होने के लिए डिटेल आ जाएगी। जो डिटेल आपने फिल की है उसे आप यहाँ एडिट कर पाएंगे। नीचे आप देख पा रहे हैं कि आप अकेला एडिट यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस को एडिट कर सकते हैं, पैन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को आप जो है नहीं कर सकते। उसी तरीके से ये आपके प्राइमरी मोबाइल नंबर की और आपके जीमेल आईडी की जो है डिटेल आ गई है। इसे और एड्रेस को आप जो है वेरीफाई करने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों कंफर्म करते ही आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना है,
जैसा कि आपने देखा है जितनी भी साइट्स होती हैं, आप इतने पासवर्ड आप लोग बना चुके हैं कि आपको पासवर्ड बनाना भी आता होगा कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है और एक वीक पासवर्ड कैसा होता है। इसमें आपको जो है 8 से लेकर 14 डिजिट के बीच का पासवर्ड सेट करना है, उसमें एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, उसी की तरीके से एक स्पेशल कैरेक्टर आना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ आपको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भी यहाँ पर सेट करना है। जब से ये नई वेबसाइट आई है यहाँ पर एक पर्सनलाइज्ड मैसेज बनाया जाता है, इस पर क्लिक और कन्फर्म करने के बाद ही आप जो है लॉगिन कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक पर्सनलाइज मैसेज देंगे जो कि हमेशा यहाँ लॉगिन करते टाइम आपको शो होगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ रजिस्टर कर देंगे, रजिस्टर करते ही आपको यहाँ मैसेज आएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये आपकी ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी और ये आपको कन्फर्मेशन मेल आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू लॉगिन का, आप जो है प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको मदद लेनी होगी आपके पैन कार्ड की, यूज़र आईडी में आपका पैन कार्ड आएगा और जो ओटीपी हम कह सकते हैं, ओटीपी नहीं माफ कीजिएगा, जो पासवर्ड आपने यहाँ पर सेट किया था, इस पासवर्ड को जो है आप वहाँ पर इंसर्ट करेंगे लॉगिन करते समय। ये देखिए यहाँ पर जब लॉगिन का ऑप्शन आता है दोस्तों, तो लॉगिन करते समय आप जब आप क्लिक करेंगे और जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको वही ये दो चीज़ें सेव करके रखना है। पैन कार्ड तो हम कह सकते हैं कि सेव हो जाता है, आप इस कह सकते हैं पासवर्ड को भी सेव करके रखें और नेक्स्ट टाइम से आप जितने भी बार यहाँ लॉगिन करेंगे आपको इन दोनों चीज़ की जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को बताने के लिए किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर। और फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इसके समान हमने और वीडियोस बनाए हैं, आप वहाँ पर क्या क्या काम कर सकते हैं दोस्तों, आप उस पूरी सीरीज को देख सकते हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।